हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे 7 चक्र एफिर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत पावरफुल है। आप खुद देखेंगे कि जो भी आप एफिर्मेशन बोलेंगे वो कुछ ही दिनों में आपके लाइफ में पूरे होने लगेंगे। बट जो भी आप एफिर्मेशन बोलोगे उसको बहुत फील के साथ, विजुलाइजेशन के साथ आपको बोलना है, तभी ये चीज़ें रियलिटी में आपके लाइफ में उतरने लगेगी। तो आप लोगों को करना क्या है, जब भी आप सोने जाते हो, जो मैं आपसे एफिर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, आप उसको खुद नोट डाउन करके अपनी वॉइस से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो मेरा ये वीडियो है आप उसको भी हेडफोन लगा के रात में सोते वक्त सुन सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको सुन रहे हो तो बिल्कुल फील के साथ कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी है, आपको ऐसा फील करना है, विजुलाइज करना है वो सब कुछ। तो जो हम पहले बात करेंगे अपने रूट चक्रा की, रूट चक्रा हमारा जो भी हम 3D लाइफ में अब जो भी हमारी नीडी होती है, मीन्स ज़रूरत होती है घर की, पैसे की, हर चीज़ की, ग्रोथ की, वो सब कुछ हमारे रूट चक्रा से कनेक्ट होता है। अगर आप इसे ओपन करते हो तो जो भी आपकी डेली नीड्स वाली चीज़ें होती है वो बहुत ही जल्दी जल्दी पूरी होने लगती है। जो भी हमारे 7 चक्रास होते हैं, अगर कोई भी, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम ही, नॉर्मल सोल सबको ये चक्रास ओपन करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो उनके लाइफ में वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो आपको पहले अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है। आप इसे बैठ के, लेट के, कैसे भी कर सकते हो, इसका कोई भी रूल्स नहीं कि आपको बैठ के ही करना है। लेकिन जब आप सोने जाते हो, एकदम गहरी नींद में रहते हो, तब इसको आपको चैन करना है, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो हम जो भी चीज़ें बोलते हैं वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके यूनिवर्स में जाती है, तो वो चीज़ें पूरी होने लगती है। तो जब भी आप सोने जाओगे, लेटते हो, तो उसके बाद आपको अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है, एक रेड कलर की लाइट को फोकस करना है और उसका एफर्मेशन बोलना है। आपको बोलना है कि मैं सेल्फ लव करती हूँ, मैं ग्राउंडेड फील करती हूँ, मेरे अंदर का जो भी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ईगो है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं है, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में होने वाली है उसके बारे में मैं बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं फिज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बातों को अच्छे तरीके से समझती हूँ, मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नेचर से बहुत कनेक्ट हूँ, मैं ग्राउंडेड फील करती हूँ, मेरा जो भी ईगो है वो ख़त्म हो चुका है, मेरा डर ख़त्म हो गया है, मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता है। ये हमारा रूट चक्रा का एफिर्मेशन है। आप जब भी इसको बोलेंगे उसके बाद आपको फील करना है, मीन्स उसको बोलते बोलते आपको फील करना है कि वो सारी चीज़ें, लाइक आपका गुस्सा हो गया, डर हो गया, हमारी जर्नी में सबसे ज़्यादा हमें जो हमारा इशू बहुत धीरे धीरे ख़त्म होता है, सबसे पहला हमारा फियर का इशू हो गया, और हमारा जो गुस्सा है और जेलेसी का हो गया, ये सब कुछ इससे कनेक्ट होता है। तो आप जब इसको बोलोगे तो उसको विजुलाइज भी करना है कि वो सारे इशू आपके वो हील हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने सैक्रल चक्रा की। सैक्रल चक्रा में आपको एक ऑरेंज कलर की लाइट को विजुलाइज करना है और बोलना है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं पैशनेट हूँ, मैं इस दुनिया में आई हूँ बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, मेरे अंदर की जितनी भी क्रिएटिविटी साइड है वो सब कुछ बाहर आ रही है, मेरे अंदर किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं है, मेरे जो भी रिलेशनशिप है मैं उसको अच्छे से निभाती हूँ, मैं खुद पर इंडिपेंडेंट हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी साइड पर काम कर रही हूँ। इस तरीके से आपको अपने सैक्रल चक्रा का एफिर्मेशन बोलना है। अब हम आते हैं अपने सोलर चक्रा पे। सोलर चक्रा हमारा पावरफुल, और जो हम पावर फील करते हैं और जो हम करेज फील करते हैं, ये सब कुछ हमारे सोलर चक्रा से कनेक्ट होता है। तो जब भी आप अपने सोलर चक्रा को फील करेंगे तो आपको बोलना है,
मैं बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ, मैं खुद को बहुत पावरफुल समझती हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रही हूँ, मैं सबसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही हूँ, मेरी नॉलेज दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, मैं जो भी अपनी लाइफ में चाहती हूँ वो अचीव होते जा रहा है, मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही हूँ, मैं मेंटली रूप से भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हूँ, मैं लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ, उनको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा पा रही हूँ, मुझ पे कॉन्फिडेंस आ गया है। ये आपको अपने सोलर चक्रा का एफिर्मेशन इस तरीके से चैन करना है। अब हम आते हैं अपने हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा हमारा सेंटर चक्रा होता है जो हमें अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी कनेक्ट करता है। जब भी आप अपने हार्ट चक्रा का एफिर्मेशन बोलोगे तो आपको फील करना है हार्ट चक्रा पे ग्रीन कलर की लाइट और बोलना है, मेरे हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, हील हो चुका है, मेरे साथ जिसने भी जो भी चीज़ किया है मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ, मैं सबसे अनकंडीशन लव करती हूँ, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, सब लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं, मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं पूरे यूनिवर्स से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एनिमल्स से, बच्चे से, जो भी लोग हैं इस यूनिवर्स में सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, मैं सबसे अनकंडीशन लव कर रही हूँ। ये हुआ हार्ट चक्रा का एफिर्मेशन। अब हम आते हैं अपने थ्रोट चक्रा पे। थ्रोट चक्रा का जब भी आप एफिर्मेशन बोलोगे तो अपने थ्रोट पर एक स्काई ब्लू कलर की लाइट को आपको फील करना है और आपको एफिर्मेशन बोलना है, मैं हील हो रही हूँ इस ब्लू कलर के स्काई से, मेरा थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, हील हो रहा है इस ब्लू कलर की स्काई से, मैं हर सिचुएशन में सच बोलती हूँ, मैं दूसरों की भी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मैं हर सिचुएशन में सच बोलती हूँ, मेरी बातों से सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, मुझ पर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाऊँ, मैं अब किसी भी सिचुएशन में डरती नहीं हूँ बोलने पर। ये हमारा थ्रोट चक्रा का एफिर्मेशन हुआ। अब आपको बोलना है थर्ड आई चक्रा के एफिर्मेशन। अपने थर्ड आई पे आपको एक इंडिगो कलर की लाइट को फील करते हुए बोलना है, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, मेरी साइकिक पावर दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, मैं अपने सिक्स सेंस को फील कर पा रही हूँ, मेरे साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ, मेरे साथ अभी प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है उस चीज़ों को भी मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्ट हो पा रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं सोच रही हूँ वो बहुत जल्द ही मैनिफेस्ट हो रही है। ये आपके थर्ड आई चक्रा के एफिर्मेशन हुए। अब आपको क्राउन चक्रा का एफिर्मेशन बोलना है। ये जो चक्रा होता है ये हमें सीधा डिवाइन से कनेक्ट करता है, मतलब इस चक्रा का ओपन होना मींस जो भी आपका बिलीफ सिस्टम हो गया या फिर 3D के लाइफ से जो आप कनेक्ट हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप सबसे कट ऑफ हो जाओगे, सबको लेट गो कर दोगे। तो इस चक्रा का एफिर्मेशन बोलते वक्त आपको फील करना है, बोलना है कि मैं एक पीस की एनर्जी में आ चुकी हूँ, मैं बहुत शांत सा फील करती हूँ, मैं सबसे कट ऑफ हो चुकी हूँ, मैं सबको लेट गो कर चुकी हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी हूँ, डिवाइन से मर्ज हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी भी बात की फिक्र नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर रही हूँ अपनी इस जर्नी में, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ते जा रही हूँ, मेरा इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बढ़ते जा रहा है, मैं खुद में ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हूँ, मैं डिवाइन को सरेंडर कर चुकी हूँ हर सिचुएशन को। इस तरीके से आप अपने क्राउन चक्रा के एफिर्मेशन को
कंटिन्यू बोलते रहिए। और कुछ देर के बाद आपको थोड़ी देर के लिए शांत रहना है, बिल्कुल भी अगर आप जग रहे हो तो किसी से बात नहीं करना है। जो भी आपने एफिर्मेशन बोलना है तो वो एनर्जीज को आप खुद अपनी बॉडी में फील करिए। इस तरीके से आप डेली इस एफिर्मेशन को बोलिए। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें तो उसमें और ऐड करके आप डेली बोलिए। आप खुद देखेंगे कि जो भी आप एफिर्मेशन बोलते जा रहे हैं वो थोड़े ही दिन में वो सारी चीज़ें होने लगेगी। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको फील करना है वो सारी चीज़ों को। अगर आप सिर्फ बोलोगे, फील नहीं करोगे, विजुलाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी। तो इस एफर्मेशन को डेली आप करिए रात में सोते वक्त। अगर आपको सुबह टाइम मिल रहा है जैसे हम सो के उठते हैं तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।